आज तक इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं आई खुल के सीना चौड़ा करके कहा हो कि स्कूल बनवाए हैं इसलिए वोट देना, अस्पताल बनवाए हैं इसलिए वोट देना। नहीं तो इस देश के अंदर वो आके कहते हैं भाई तुम हिंदू हो हम हिंदू हैं, हिंदू हिंदू को वोट देना, तुम मुसलमान हो हम मुसलमान हैं, मुसलमान मुसलमान को वोट देना। इसी बात पे तो वोट मांगते हैं, लोगों को एक दूसरे से लड़ा के ही तो वोट मांगते हैं। ये है ही ऐसे कायर हैं ये लोग। फिर ओनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा ते हम असबाब करेंगे। आज तक इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जिसने खुल के सीना चौड़ा करके कहा हो कि स्कूल बनवाए हैं इसलिए वोट देना, अस्पताल बनवाए हैं इसलिए वोट देना, बिजली ठीक करी है इसलिए वोट देना। नहीं तो इस देश के अंदर वो आके कहते हैं भाई तुम हिंदू हो हम हिंदू हैं, हिंदू हिंदू को वोट देना, तुम मुसलमान हो हम मुसलमान हैं, मुसलमान मुसलमान को वोट देना, तुम ठाकुर हो तुम बनिए हो तुम ये हो पंडित हो तुम ये हो, मैं हम भी ये हमारी पार्टी इसकी हमारी पार्टी। इसी बात पे तो वोट मांगते हैं, लोगों को एक दूसरे से लड़ा के ही तो वोट मांगते हैं। आज तक किसी पार्टी के अंदर हिम्मत नहीं थी जो खड़ी होके ये कह दे कि भाई हमने काम करा है, काम के नाम पे वोट देना, स्कूल के नाम पे वोट देना, अस्पताल के नाम पे वोट देना। अरविंद केजरीवाल और इन लोगों की हिम्मत नहीं है जो उसको काउंटर कर सकें। अभी जोश जोश में आके उत्तर प्रदेश के एक कौन मंत्री था उसने चैलेंज किया था, संजय जी सिद्धार्थनाथ सिंह, उसने चैलेंज कर दिया, मनीष सिसोदिया जी आए और हमारे साथ डिबेट करें। उन्होंने सोचा कि हमने ऐसे ही बोल दिया ये आएगा थोड़ी, अब वो पहुंच गया, वो बोला जी आ गया मैं, बताओ कहाँ चलना है कहाँ डिबेट करना है, तो वो भाग खड़ा हुआ, मैदान छोड़ के भाग गया। ये है ही ऐसे कायर हैं ये लोग, काम इन्होंने किया ही नहीं है, ऐसे ही चैलेंज करते हैं। एक बार इनकी आंख में आंख डाल के बात करो ये मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो मनीष सिसोदिया जब वहां पहुंचे लखनऊ में, उन्होंने कहा भाई मैं आ गया, और उनके एक नहीं दो दो तीन तीन मंत्रियों ने, उत्तर प्रदेश के योगी जी के दो दो तीन तीन मंत्रियों ने चैलेंज किया था कि हमने स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, आके देखो और हमारे साथ डिबेट करो। और जब मनीष जी वहां पे पहुंचे और उनकी स्कूल देखने के लिए जब वो चले, तो उन्होंने अपनी पुलिस भेज के मनीष जी को रोक लिया, जाने नहीं दिया आगे। इतना डर, इसका मतलब स्कूल ज्यादा ही खराब है। वो नहीं चाहते थे मनीष जी के साथ साथ सारा मीडिया जा रहा था, सारा मीडिया पीछे पीछे जा रहा था, पूरा नेशनल टेलीविजन पे आ जाता योगी जी के स्कूलों का क्या हाल है। तो उन्होंने मनीष जी को रास्ते में ही रोक लिया और इनको स्कूल देखने। मेरा ये कहना है कि जो स्कूल तुमको दिखाने में इतना शर्म आ रही है, उस स्कूल में हमारे करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। सोचो उन बच्चों के साथ तुम क्या कर रहे हो, उन बच्चों का तुमने क्या हाल कर रखा है, उन बच्चों का तो भविष्य अंधकार में है। फिर एक उत्तराखंड के मंत्री हैं, उनका क्या नाम है, मदन कौशिक, उन्होंने चैलेंज किया कि मैं 100 मिनट में, पता नहीं 100 सेकंड में 100 काम गिना दूंगा अपने, आए मनीष जी मैं डिबेट करूंगा। बोला मनीष जी बताएं कहां आना है, मनीष जी बताएं कितने बजे आना है। तो मनीष जी उत्तराखंड भी पहुंच गए, बोले आओ जी चैलेंज कर, वो वहां से भाग खड़े हुए। पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा भाग गई, उसके बाद उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी भाग गई, वहां भी उनकी हिम्मत नहीं हुई। वहां भी जब मनीष जी उनका एक स्कूल देख के आए, इतना बुरा हाल स्कूल का, इतना बुरा हाल उनका स्कूल का। 70 साल इन लोगों ने राज करा, 70 साल बीजेपी और कांग्रेस ने राज करा, इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया, सब चीजों का बुरा हाल कर दिया। तो पहली बार देश के अंदर एक ऐसी, इसीलिए आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ी, इसीलिए आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि जो काम ये पार्टियां 70 साल में नहीं कर पाई, वो काम आम आदमी पार्टी ने 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर करके दिखा दिया। पिछले 1 साल के अंदर काफी मुश्किल परिस्थितियों से पूरी मानव जाति गुजरी है,
कोरोना की वजह से, कोरोना की महामारी की वजह से हमारे देश के अंदर हर शहर में, हर गांव में कोरोना की वजह से बड़ी कठिन परिस्थितियां थी। लेकिन दिल्ली में आपकी पार्टी की सरकार ने जिस तरह से शांत तरीके से, संयम से और सबको साथ लेके बिना राजनीति किए सारी संस्थाओं को, सारे संगठनों को, सारे लोगों को, हर तबके को, सारी सरकारों को साथ लेके दिल्ली के अंदर जिस तरह से कोरोना का मैनेजमेंट किया गया उसकी प्रशंसा दुनिया भर में हो रही है। आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी चीज बता दूं, दिल्ली में जो कोरोना की महामारी थी वो दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन था, दुनिया दिल्ली की परिस्थिति सबसे ज्यादा कठिन थी। 11 नवंबर को दिल्ली में 8,500 केस आए एक दिन में, केवल एक दिन में 8,500 केस आए। पूरी दुनिया के अंदर किसी शहर में इतने ज्यादा केस कभी नहीं आए। न्यूयॉर्क में अप्रैल में एक दिन में 6,300 केस आए थे, दिल्ली में 8,500, सोच सकते हो कितने ज्यादा। लेकिन जब न्यूयॉर्क में 6,300 केस आए तो न्यूयॉर्क के सारे अस्पताल फुल, सड़कों पे मरीज, अस्पताल के कॉरिडोर में मरीज पड़े हैं, लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहे, बुरा हाल था चारों तरफ। लेकिन दिल्ली में जब 8,500 केस आए उस दिन भी हमारे 7,000 अस्पतालों के अंदर बेड खाली पड़े हुए थे, कोई सड़कों पे मरीज नहीं थे, कोई कॉरिडोर में मरीज नहीं थे। इतना शानदार मैनेजमेंट हमारे डॉक्टर्स ने और हमारे सब लोगों ने मिलकर किया। ये नतीजा था पिछले 5 साल के अंदर जो अस्पतालों के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करी, इतने मोहल्ला क्लिनिक खोले, इतने अस्पताल बनाए, इतना शानदार सरकारी अस्पतालों को ठीक करा, सबको साथ लेके चले, उसका नतीजा था। इतना शानदार मैनेजमेंट था कि सबसे ज्यादा महामारी का जो वो था, वो इम्पैक्ट जो था वो दिल्ली के ऊपर हुआ, लेकिन उसको हमने शानदार तरीके से मैनेज किया आपकी सरकार ने। होम आइसोलेशन किया, प्लाज्मा थेरेपी की, कई नई नई चीजें करी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज करी, मैं देख रहा था एक राज्य, उस राज्य के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर एक ही आदमी 50 बार अपनी नाक में वो डाल के और वो सैंपल दे रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फर्जी टेस्ट हो रहे थे, फर्जी टेस्ट कर करके वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे कि कोरोना नहीं है। दिल्ली के अंदर हमने फर्जीवाड़ा नहीं होने दिया। हमने उनको कहा, अपने सारे अफसरों को भी और डॉक्टरों को भी, जो सही पोजीशन है वो दिखाओ। अगर मैं मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे को सही पोजीशन नहीं पता और मैं जनता को सही पोजीशन नहीं दिखाऊंगा तो अंदर ही अंदर तो बीमारी बढ़ती जाएगी, लोग मरते जाएंगे। मेरे लिए लोग इंपॉर्टेंट हैं कि मेरे लिए ये आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं? मेरे लिए तो लोग इंपॉर्टेंट हैं, मेरे लिए तो लोगों की जान इंपॉर्टेंट है। एक एक जान हमारे लिए कीमती है। हमने आंकड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं किया, जो था जनता के सामने रख दिया। जब कोरोना बढ़ा दिल्ली में तो इन लोगों ने खूब गालियां दी हमको, हमने संयम के साथ मुंह बंद रख के, मुंह पे उंगली रख के हमने सारा काम करते गए और आज ऊपर वाले की दया से कल 80,000 टेस्ट हुए, 100 से भी कम केस आने चालू हो गए दिल्ली के अंदर। तो कोरोना का भी काफी अच्छा काम हुआ और आपकी पार्टी की सरकार की पूरी चारों तरफ इस बात की तारीफ हो रही है। मेरे को सबसे अच्छा तो लगा कि 2 जुलाई को दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक बना था, दुनिया का पहला प्लाज्मा बैंक, और 27 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि हम भी अब प्लाज्मा इस्तेमाल करेंगे। अभी जो मैं चारों तरफ सुनता हूं, आप लोगों से बात करता हूं, लोगों से बात करता हूं, देश के अंदर, पूरे देश में, हर जगह, गांव गांव के अंदर दिल्ली की आम आदमी पार्टी के काम, सरकार के कामों की चर्चा है।
है कि नहीं है? देश भर में लोग इज्जत करते हैं आम आदमी पार्टी की, देश भर में लोग प्यार करते हैं आप लोगों से, देश भर में लोग प्यार करते हैं आम आदमी पार्टी से। फिर जब पूछो वोट दोगे, कहते जी अभी तो इनका यहां कुछ है नहीं, ऐसे कहते हैं। ये जो छोटा सा फासला है ये तय करना है कि अभी तो कुछ है नहीं, इसके लिए आप लोग संगठन बनाना है। मोटे मोटे तौर पे अगर हम कहें तो अब लोग आपकी पार्टी को चाहते हैं। पूरे देश में सबको पता चल गया दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री बिजली मिलती है, ये 8वें चमत्कार से कम नहीं है कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली सबको चाहिए देश भर में, किसको नहीं चाहिए? और बाकी सरकारें कर नहीं पा रही, उनसे हो नहीं रहा, अगर होता तो अभी तक कर देते। ये जादू तो अपने को ही आता है, और तो किसी को आता नहीं है, हम ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। तो लोग सारे लोग चाहते हैं कि ये हो, लेकिन वो संगठन अपने को बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गली गली में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और बहुत बड़े स्तर के ऊपर संगठन बनाना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। कहीं कहीं होता है किसी को लगता है यार मैंने दूसरों को ले लिया तो मेरी टिकट ना कट जाए, कुछ ज्यादा होता है ना कहीं कहीं, वो नहीं करना, सबको जोड़ो। सारा देश जुड़ेगा, सारा देश आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनेगा, तभी अपना तभी देश का बदलाव होगा। आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी से थोड़ी चिपके हैं हम लोग तो देश से चिपके हैं, देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी तो जरिया है, आम आदमी पार्टी तो व्हीकल है, उसके जरिए अपने को देश बदलना है। तो अगले 2 साल के अंदर देश में जो भी चुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी ने तय किया है कि अगले 2 साल में इन 6 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। मंजूर है? हाथ खड़े कर दो जरा दोनों से। इन 6 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव क्यों लड़ेंगे? लोग आते हैं मेरे पास, दिल्ली तो एक पूरे देश का एक मिनी इंडिया है, दिल्ली में पूरे देश भर से लोग आके रहते हैं, उत्तराखंड से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, जम्मू कश्मीर से भी आते हैं, हिमाचल प्रदेश से भी आते हैं, साउथ से भी आते हैं, ईस्ट से भी आते हैं, वेस्ट से भी आते हैं, लोग यहाँ के रहते हैं। उन लोगों से जब हम बात करते हैं, लोग कहते हैं जी हमारा क्या कसूर है बताओ, अब उत्तर प्रदेश के अंदर 325 सीट दे दी, इससे फालतू और क्या देते इनको, फिर भी काम नहीं करते, तो बोलो जी अब जनता क्यों त्रस्त हो? बोले हमको भी बिजली मुफ्त चाहिए, हमको भी बिजली 24 घंटे चाहिए, हमको भी अच्छे स्कूल चाहिए, हमको भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमको भी फ्री दवाइयाँ चाहिए, हमको भी अच्छी सड़क चाहिए, हमको भी अच्छा पानी चाहिए। बोले इनके बस की ना है जी, इनको 325 सीट दे दी उसके बाद भी अगर इन्होंने कुछ नहीं करा तो बोलो जी अब तो आप ही की जरूरत है। तो अब आप लोगों को निकलना पड़ेगा, आप लोगों को जाना पड़ेगा, जनता तैयार है, जनता को बस ये दिखाना है कि आम आदमी पार्टी हर जगह पहुंच गई है, आपको पहुंचने की जरूरत है। पिछले 5 साल के मेरे अनुभव ने ये दिखाया है कि अगर 5 साल के अंदर हम लोग ये सब कर सकते थे तो ये 70 साल में बीजेपी कांग्रेस वाले मिलके भी कर सकते थे। इसका मतलब अपने को जानबूझ के देश को पिछड़ा रखा गया, जानबूझ के अपने देश को गरीब रखा गया, जानबूझ के अपने देश को अनपढ़ रखा गया। इन दोनों पार्टियों ने मिलके, मोस्टली तो इन दोनों पार्टियों ने 70 साल में कभी ये कभी वो, एक बार तुम एक बार हम यही चलाया, जानबूझ के इन लोगों ने किया। और आजकल एक पार्टी है राष्ट्रीय स्तर की, वो आपको याद दिलाती है सन 1200 में ये हुआ था, सन 1300 में ये हुआ था, सन 1400 में ये हुआ था, वो ये नहीं बताती किसवीं सदी का भारत कैसा होगा, वो ये नहीं बताती 22वीं सदी का भारत कैसा होगा, वो कहती है 1200 में, सन 1200 में ये हुआ था, इसका बदला लेंगे अब, सन 1300 में ये हुआ। देश को अब तय करना है कि हमें आगे बढ़ना है कि हमें पीछे जाना है।
इन पार्टियों के पास कोई विजन नहीं है, इनको यह नहीं पता आगे करना क्या है, इसलिए पीछे वाली चीजों में हमें उलझाए रहते हैं, इनकी नीयत खराब है। अगर आप सब लोग देश से प्यार करते हो तो केवल आम आदमी पार्टी है जिसके पास 21वीं सदी और 22वीं सदी की विजन है। हमारे पास, हमें पता है करना क्या है और हमें पता है कि वो करने के लिए हमें वहां तक पहुंचना कैसे है। हमें पता है कि पूरे देश को शिक्षित कैसे करना है। हमें पता है कि इस देश के गरीब से गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे देनी है, हमने करके दिखाया। हमें पता है कि गांव गांव तक, घर घर तक नल में पानी कैसे पहुंचाना है। हम नारेबाजी नहीं करते, ये नारेबाजी करते हैं, रोज एक नया स्लोगन, हर घर जल कुछ कुछ, नारे करने से थोड़ी काम चलता है, मेहनत करनी पड़ती है, 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, साफ नीयत होनी पड़ती है। आजकल हमारे देश का किसान बहुत दुखी है, 70 साल से सभी पार्टियों ने मिलकर किसानों को धोखा दिया। कभी कहते थे तुम्हारा लोन माफ करेंगे, किसी ने लोन माफ नहीं किया। कभी कहते थे तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे, किसी ने नौकरी नहीं दी। पिछले 25 साल में बताते हैं 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं देश के अंदर, किसी ने किसानों की सुध नहीं ली। और अब ये जो तीनों बिल आए हैं, ये तीनों बिल एक तरह से किसानों से उनकी खेती छीन के इन 2-4 पूंजीपतियों को सौंप देंगे। तो अब किसान के लिए अस्तित्व का सवाल हो गया कि अब अगर सड़क पे नहीं उतरेगा तो किसान ही नहीं बचेगी, और अगर किसान ही नहीं बचेगी तो बेचारा किसान जाएगा कहां, वो अपने परिवार को कैसे पालेगा। मैं कई बार सोचता हूं कि इतनी ठंड के अंदर किसान कैसे बैठे हैं। वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि अगर नहीं बैठेंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं उनका। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, जो हिंसा हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। जो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, और जो जिम्मेदार हैं वो जिस तरह से फर्जी केस पे केस लगा रहे हैं वो नहीं, जो भी उसके लिए असल में जिम्मेदार हैं, जो भी पार्टी उसके लिए असल में जिम्मेदार है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उस दिन हिंसा हुई इस वजह से किसानों के मुद्दे नहीं खत्म हो गए, मुद्दे आज भी बरकरार है, जिस मुद्दों की वजह से वो 60 दिन से बेचारे बैठे हैं, वो मुद्दे नहीं खत्म हो गए। कह रहे हैं हम तो आंदोलन खत्म, आंदोलन कैसे खत्म, वो किसानों की जो दुखती समस्या है वो तो आज भी है। तो वो आंदोलन खत्म नहीं हो सकता, वो उनके मुद्दे खत्म नहीं हो सकते, और जिस देश का किसान दुखी है वो देश कभी भी सुखी नहीं हो सकता। हम सब लोगों को मिलके किसानों का साथ देना है, अपने अपने इलाके में अहिंसा पूर्वक शांति पूर्वक सबको साथ देना है। और जब भी किसानों का साथ देने जाओ, अपना झंडा डंडा टोपी घर छोड़ के जाना। वहां हमें पूरे गैर राजनीतिक तरीके से एक आम आदमी बन के जाना है, इस देश का एक आम नागरिक बन के जाना है। वहां पे कोई राजनीति नहीं करनी उसके साथ।